समस्या क्या है? सभी चाहते हैं भविष्य बेहतर हो, मगर कोई वर्तमान में नहीं रहना चाहता। वर्तमान को बेहतर करने की कोई कोशिश नहीं करता। आप जो करोगे आज, अच्छा या बुरा, निश्चित तौर से ये वापस आपके पास आएगा। देर से आए चाहे सवेर से आए, लेकिन आना ही है। पुण्य करोगे तो भी आएगा, पाप करोगे तो भी आएगा। छिपा हुआ नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का कानून है। इस प्रकृति के नियम से अछूता कोई नहीं है। आप जैसे बीज लगाओगे उसका फल लौट कर आपके पास ही आएगा। लेकिन कई बार हम सोचते हैं क्या दूसरे के साथ बुरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आज वो कमजोर है, वो क्या कर सकता है मेरे साथ, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं तो बलशाली हूं, जैसा चाहूं वैसे कर सकता हूं। मुझे याद आ रही है एक बात, एक बहुत बड़े धनाढ्य सेठ, आपके आसपास के क्षेत्र की ही बात है, सच्ची घटना है ये, बहुत अमीर, इतने अमीर कि उनके गांव में सभी लोग कहते थे कि इतनी अमीरी है इनके पास कि 7 पुश्तों तक अगर कुछ भी ना करें इनके बच्चे तो भी बैठ के खा लेंगे, इतनी अमीरी है। उस बाबूजी का बड़ा एक शौक था, उनके हृदय में उस समय बड़ी खुशी मिलती थी जब लोग उनसे दहशत में रहते थे, डरे हुए रहते थे, जो डरता था तो बड़े खुश होते थे। तो बाबूजी ने क्या किया, विदेश वगैरह की यात्रा करते थे तो वहां से जर्मनी गए थे, तो एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता जो आता है अल्सेशियन डॉग, वो लेकर आए थे, पाला था, शेर की तरह दिखता था वो। और उस कुत्ते को जब सुबह में चाय पीते थे तो बिस्किट उछाल कर फेंकते थे, उछल कर जाकर वो पकड़ता था हवा में ही, खुश हो जाते थे, ये कुत्ता नहीं ये शेर है। एक बार भूखता था तो लोग कांप जाते थे, किसी को दौड़ा भी देता था तो लोग आकर शिकायत करते थे, तो वो कहते थे अरे तुम्हें संभल के रहना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि इस घर से हवेली से गुजरोगे तो यहाँ पे ये जर्मन से पड़ रहता है, सोच समझ के रहा करो। एक दो बार लोगों ने शिकायत की कि कुत्ते ने काट लिया, लेकिन कुत्ते के काटने की शिकायत भी कौन करे सेठ जी से, क्योंकि उल्टा सेठ जी डांट लगा देंगे, क्योंकि तुम्हारी गलती है, मेरे कुत्ते की गलती नहीं है। ऐसा था, बड़े खुश होते थे, शेर है वो शेर। लेकिन आप जो बीज लगाते हैं वो लौट कर आता है आपके पास, जो आप फसल लगाते हैं उसके फल मिलते हैं आपको भी, सिर्फ दूसरों को नहीं आपको भी मिलते हैं। एक लौटी बेटी थी उस सेठ की, कलकत्ता के बहुत बड़े धनाढ्य सेठ के घर में शादी की उन्होंने, दामाद बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, एक लौटी बेटी लाडली, लाखों रुपए, आज से 50-100 साल पहले की बात है, लाखों रुपए दहेज में दिया था। एक रात की बात है, दामाद आ रहा था कलकत्ता से, रेलवे स्टेशन पे आया, रात के करीब 1 बज चुके थे और 1 बजे के आसपास न फोन न मोबाइल कुछ तो था नहीं, संदेश कैसे करें। उसने सोचा कि रेलवे स्टेशन के पास में ही घर है, टहलते हुए चलता हूं, क्या फर्क पड़ता है, घर अपना ही है। टहलते हुए चला आया, लोहे के गेट को खोलता है, अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही प्रवेश करता है छलांग मारता है जर्मन शेफर्ड, सीधा गले को पकड़ता है और वहीं खून चूस लेता है, मार डालता है। और जैसे ही वो गिरा दामाद मर गया तो जर्मन शेफर्ड भोंकने लगता, क्योंकि काटने के बाद भोंकता था, किसी को भी काटता था तो भोंकता था बाद में। बाहर निकलकर आते हैं, बाहर निकलकर मालिक सेठ आते हैं दौड़कर और लाइट जलाकर देखते हैं तो देखते हैं कि दामाद मरा है और जर्मन शेफर्ड ने काटा है। दौड़कर अंदर जाते हैं, अपनी बंदूक निकालते हैं और सीधा फायर करते हैं, वहीं गोली मार देते हैं उस जर्मन शेफर्ड को और बाद में अपने सर को पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि एक लौता दामाद मर गया, बेटी विधवा हुआ। आज अच्छा लगा, कल कुत्ता काट रहा था किसी और को तो बड़ा अच्छा लग रहा था, आज जब खुद के घर का ही नाश कर डाला, बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया तो कैसा लग रहा। जो फसल लगाएंगे चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, लौट कर उसके फल हमारे पास आएंगे।